हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज। मिक्स वेज बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे, फिर उसमें हम अपनी सारी सब्जियां जो भी आप ले रहे हैं उसे फ्राई कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिए गोभी, गाजर, बीन्स, पनीर, प्याज और शिमला मिर्च, इन सबको मैंने गरम तेल में डालकर फ्राई कर लिया है। प्याज और शिमला मिर्च हम इस तरीके से काट कर फ्राई करेंगे। इसको हम सब्जी में सबसे लास्ट में डालेंगे ताकि इसका टेस्ट उभर कर आए। हम उसी कढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑयल हटाकर थोड़ा लेकर उसमें जीरा, हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन डालकर भून लेंगे। फिर इसमें हम 2 मीडियम साइज कटे हुए बड़े बड़े प्याज के टुकड़े और 7-8 काजू डाल देंगे। ये प्याज हमने दूसरा लिया है, जो हमने पहले फ्राई किया था वो प्याज नहीं है। हम इसमें 3 से 4 कटे हुए टमाटर डाल देंगे। फिर हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और ये प्याज वगैरह सब गल चुका है। इसे हम साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। फिर हम एक कढ़ाई में तेल लेकर उसमें 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच जीरा
और ये जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है उसको डाल देंगे। जब मसाले आपके भुनने के बाद तेल छोड़ दें तो उसमें हम आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला डालकर मिक्स कर लेंगे। फिर जो सब्जी हमने फ्राई करी हुई थी वो भी हम इस मिक्सचर में मिला देंगे। अब इसमें स्वादानुसार नमक मिला देंगे। अब हमने जो प्याज और शिमला मिर्च फ्राई करके रखा हुआ था वो लास्ट में इसे भी डालकर अच्छे से चला लेंगे। आपकी मिक्स वेज सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज सब्जी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।